हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं 1962 पर हम लोग मैराथन क्लास लेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो धैर्य से बैठिए और धैर्य से इस पूरा वीडियो को आपको देखना पड़ेगा और मेरे बोलने से पहले आपको टिक लगाना पड़ेगा या अपने मन में सोचना पड़ेगा इसका आंसर ये आना चाहिए। मेरे बोलने से पहले आपको लगा देना होगा। इससे पहले एक मैराथन क्लास मैंने और दे चुका जिसको जो लगभग 111 क्वेश्चंस का था। आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा वाला प्लेलिस्ट दबाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर लेते हैं और चलते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपके पास आता है छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी। 12 मई इसमें से आपको बताना है, 12 मई 1960 को, 18 अप्रैल 1960 को, 12 मई 1961 को या 23 अप्रैल 1961 को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें डी आएगा, 28 अप्रैल 1961 को। क्वेश्चंस आपके सामने एक और आता है और यह है छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं। 10 अध्याय 77 धाराएं, 7 अध्याय 95 धाराएं, 12 अध्याय 92 धाराएं, 11 अध्याय या 96 धाराएं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 11 अध्याय 96 धाराएं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में केंद्रीय सहकारी बैंक, सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है किसमें है, धारा 1, धारा 2, धारा 3 या धारा 4 में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, धारा 2 में इसको परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 धारा 9 क्या है, माने जो 1960 में धारा 9 में क्या है। सहकारी संस्थाओं की संरचना, सहकारी संस्थाओं का गठन, सहकारी संस्थाओं का कार्यकल या सहकारी संस्थाओं का पंजीयन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सहकारी संस्थाओं का पंजीयन। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, यदि यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में विकास के समुचित क्रियान्वयन के लिए किसी समिति का पुनर्गठन आवश्यक है तो पुनर्गठन की स्कीम को कौन बना सकता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र, केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, राज्य सरकार, क्योंकि यह विषय ही जो है राज्य सरकार का है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की परिभाषा अनुसार रजिस्ट्रार से अभिप्राय है, ये आपको बताना है कि रजिस्ट्रार से क्या अभिप्राय है। धारा 2 के अधीन नियुक्त अधिकारी, धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी, धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारी या धारा 5 के अधीन नियुक्त अधिकारी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी। याद रखेंगे धारा 2 जो भी आपका आता है, धारा जो 2 होता है किसी भी ला के पुस्तक में वो जो होता है परिभाषा से स्टार्ट होता है और धारा 2 के में परिभाषित बहुत सारी परिभाषाएं दी होती है जिसमें रजिस्ट्रार को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी, रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार आदि होंगे। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम व अधिसूचना सहित मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ कब प्रतिस्थापित किया गया, ये आपको बताना है। 1 नवंबर सन 2000, 3 जनवरी सन 2001, 15 अक्टूबर 2003 या 2 अक्टूबर 2005, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 1 नवंबर सन 2000 जिस दिन हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया उसी दिन। क्वेश्चन है हमारे सामने बुनकर, बढ़ई, धातु कर्मकारों, मोची या कोई अन्य सोसाइटी जिसका लक्ष्य किसी भी प्रकार के कच्चे माल से
परिष्कृत माल निर्मित करना है किस श्रेणी में आएगी? विपणन सोसाइटी, औद्योगिक सोसाइटी, संघीय सोसाइटी, कृषि कर्म सोसाइटी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा औद्योगिक सोसाइटी के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन है, इनमें से कौन पदाधिकारी नहीं है? यह आपको बताना है। सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष, सहकारी सोसाइटी का सचिव, सहकारी सोसाइटी का कोषाध्यक्ष या रजिस्ट्रार। सही आंसर डी आएगा, रजिस्ट्रार। यहाँ पर जितने हैं सबका चुनाव के द्वारा सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष हो या सचिव हो या कोषाध्यक्ष हो, इस सब के सब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है और इसके द्वारा चयन होता है। रजिस्ट्रार की नौकरी है ये बोला जाए तो राज्य सरकार के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। ये अधिकारी है न कि पदाधिकारी। क्वेश्चन है, वह सोसाइटी जो न तो शीर्ष सोसाइटी हो और न ही केंद्रीय सोसाइटी क्या कहलाता है? प्राथमिक सोसाइटी, द्वितीयक सोसाइटी, जिला सोसाइटी या मध्य सोसाइटी, इसमें से आपको बताना है। तो ये प्राथमिक सोसाइटी ए आ जाएगा। वह सोसाइटी जो ना तो शीर्ष सोसाइटी हो और ना ही केंद्रीय सोसाइटी हो, केंद्रीय सोसाइटी अर्थी जिला सोसाइटी होता है, तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक सोसाइटी कहलाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन यांत्रिकी या शारीरिक प्रक्रिया द्वारा करने के उद्देश्य से बनाई गई हो कहलाती है? उत्पादन सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा, प्रसंस्करण सोसाइटी। क्वेश्चन है, अधिकरण से अभिप्राय खाली स्थान धारा के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण है? धारा 33, धारा 45, धारा 61 या धारा 77, ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, धारा 77। ये एक न्यायाधिकरण टाइप का है, न्यायालय टाइप का है अधिकरण, जिसमें सहकारिता संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका न्यायाधिकरण किया जाएगा। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर है, वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उन अन्य सोसाइटियों को जो कि उससे संबद्ध हो क्रियाकरण के लिए सुविधाएं देना हो और जिसके क्रिया क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ हो कहा जाएगा? प्रधान सोसाइटी, शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी या मुख्य सोसाइटी, इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, उसे हम शीर्ष सोसाइटी के नाम से संबोधित करेंगे या जानेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की कौन सी धारा के तहत सहकारी संस्थाओं का वर्णन किया गया है? धारा 3, धारा 7, धारा 10 या धारा 12, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, धारा 10 में सहकारी समितियों का वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं का लेखा परीक्षा कौन सी धारा में प्रावधान किया गया है? धारा 21, धारा 33, धारा 45 या धारा 58, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सहकारी संस्थाओं का लेखा परीक्षण का जो बात किया गया है ये धारा 58 में बताया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, केंद्रीय सोसाइटी से अभिप्रेत है ए जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कोई सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो, जिसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटियों के उद्देश्यों को संपरिवर्तित करना हो, उपरोक्त सभी, ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी, केंद्रीय सोसाइटी अर्थात जिला सोसाइटी जो मध्य स्तर का होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत, मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़, संपूर्ण छत्तीसगढ़, अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण छत्तीसगढ़। सही आंसर सी आएगा, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960
छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रथम बार कब प्रकाशित की गई? 12 मई 1961, 10 अक्टूबर 1960, 15 जनवरी 1961 या 13 अक्टूबर 1965? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 12 मई 1961। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा कब अधिनियमित हुआ? भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में, भारत गणराज्य के 95वें वर्ष में, भारत गणराज्य के 11वें वर्ष में या भारत गणराज्य के 15वें वर्ष में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी है, भारत गणराज्य के 11वें वर्ष में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता शिक्षा देना, उसका प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना और उसका विस्तार करना है, कहलाता है केंद्रीय सोसाइटी, सहकारी बैंक, उपभोक्ता सोसाइटी या सहकारी संघ? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सहकारी संघ। ये आपको जो है धारा 2 में जितनी भी परिभाषाएं हैं उसमें से आपको ये सारी चीज अधिनियम किताब में मिल जाएगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सहकारी समितियों को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है? कंपनी अधिनियम 2013, सहकारी समिति अधिनियम 1922, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 या सहकारी समिति अधिनियम 1912? इसमें से कोई एक आएगा, इसको आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत इसको, सहकारी समिति 1912 के तहत इसको कोई भी समिति को है पंजीकृत किया जाना अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, क्रेडिट सहकारी समिति खालिस्तान का उदाहरण है, औद्योगिक सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, विपणन सहकारी समिति या कृषक सहकारी समिति? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, कृषक सहकारी समिति। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दिया गया है? धारा 80, धारा 85, धारा 95 या धारा 96? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, धारा 95 में। टोटल धारा 96 तो टोटल धारा है, जिसमें से याद रखना कि 95 जो धारा है उसी में नियम बनाने की शक्ति दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे इसी से कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अनुसार सहकारी समितियों के लिए नियम बना सकता है, माने कौन नियम बना सकता है? रजिस्ट्रार, सचिव, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? सही आंसर डी आएगा, राज्य सरकार। इसमें जो नियम बनाती है 95 के तहत, 95 धारा के तहत, वो राज्य सरकार बनाती है। क्वेश्चन है यहां पर, किस प्रकार के सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जा सकता? जिस सोसाइटी का सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, यदि वह कम से कम 10 व्यक्तियों से मिलकर ना बनी हो, जो निकट के नातेदार हो, इसमें बताना है माने किस प्रकार का नहीं किया जा सकता। केवल एक, केवल दो, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। अगर जिस सोसाइटी का सदस्य एक आदमी दो दो सोसाइटी का सदस्य हो तो उसका नहीं करेगा, उसमें कम से कम 10 व्यक्ति होना चाहिए, 10 से कम हो तो नहीं होगा। और अगर पूरे परिवार के लोग मिलकर, निकट के नातेदार मिलकर 10 सदस्य कर रहे हैं तो भी नहीं होगा, मतलब उपरोक्त सभी आएगा। क्वेश्चन है, वह कौन सी सोसाइटी होगी जिसके सदस्य व्यस्क ना होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी? ऐसा क्वेश्चन है, जो मनोरंजन के लिए बनाई गई हो, जो अपने फायदे के लिए बनाई गई हो, जो विद्यार्थियों के फायदे के लिए बनाई गई हो, उपरोक्त सभी के लिए? सही आंसर सी है, जो विद्यार्थियों के फायदे के लिए बनाई गई हो तो उनके सदस्य व्यस्क ना होते हुए भी उनका रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है,
प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम कितने प्रतिशत महिला सदस्य होना अनिवार्य है? 40%, 33%, 30% या 25%? इसमें से कोई एक आएगा, सही आंसर भी आएगा 33% होना ही चाहिए। क्वेश्चन है, किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वहां ऐसे प्रश्न विनिश्चय कौन करेगा? सोसाइटी का सचिव, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या रजिस्ट्रार? इसमें से कोई एक आएगा, सही आंसर डी आएगा, रजिस्ट्रार। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, जब रजिस्ट्रार जो किसी विवाद का विनिश्चय कर रहा हो तो उसे इस अधिनियम द्वारा कौन सी शक्ति प्राप्त होगी? दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक, सही आंसर बी आएगा, उसे सिविल प्रक्रिया संहिता की शक्ति प्राप्त होगी। अर्थात वो समन भेज सकता है और कोई किसी भी रजिस्टर को लाने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को निरीक्षण करवा सकता है आदि आदि। क्वेश्चन हमारे सामने है, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख के कितने दिन के भीतर बी निश्चय करेगा? 35, 45, 60 या 90 दिन? इसमें से कोई एक आएगा, सही आंसर बी आएगा, 45 दिन के अंदर। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, यदि रजिस्ट्रार निश्चित समय के भीतर रजिस्ट्रीकरण का आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से कितने दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को निर्देशित करेगा? 10 दिन, 15 दिन, 2 माह या 1 माह? इसमें से आपको बताना है, सही आंसर भी आएगा, 15 दिन के अंदर उसको कुछ अपने से उच्च अधिकारी को या राज्य सरकार को भेजना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किए जाने का प्रावधान छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 10, धारा 12, धारा 15 या धारा 16? इसमें से कोई एक आएगा, सही आंसर सी आएगा, धारा 15 के अंतर्गत। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सोसाइटियों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? 10, 12, 13 या 15? इसमें से कोई एक, सही आंसर सी, 13 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहले 12 था, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक और ऐड किया है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2020 में धारा 10 का संशोधन कर कौन सी सोसाइटी को जोड़ा गया है? साधारण सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, औद्योगिक सोसाइटी या सेवा क्षेत्र सोसाइटी? इसमें से कोई एक आएगा, सही आंसर इसमें डी आएगा, अर्थात सेवा क्षेत्र सोसाइटी। माने एक और जो 34वां आ गया है, डी जोड़ दिया गया, सेवा क्षेत्र सोसाइटी को ऐड किया गया है या जोड़ा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने, सोसाइटियों की नाम में तब्दीली किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 12, धारा 13, धारा 14 या धारा 15? सही आंसर भी आएगा, धारा 13 के अंतर्गत। आप पूछेंगे तेरा नाम क्या है, तो जहां तेरा नाम क्या है, मेरा नाम यह है, तो तेरा नाम 13 के अंतर्गत सोसाइटियों का नाम में तब्दीली या परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत हो जाने की तारीख से कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा? माने ये आपका प्रमाण पत्र से संबंधित आपको बताना है, 10 दिन, 30 दिन, 40 दिन या 60 दिन? इसमें से कोई एक आएगा, सही आंसर डी आएगा, 60 दिन के अंदर आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी सहकारी बैंक के पुनर्गठन के मामले में रजिस्ट्रार अपना अनुमोदन किसके लिखित एवं पूर्व मंजूरी से देगा, अन्यथा नहीं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक,
या नाबार्ड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से। क्वेश्चन से रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाना किस धारा में बताया गया है? धारा 17, धारा 18, धारा 19 या धारा 20, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा धारा 18 में रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाने से संबंधित है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण निम्न में से किस परिस्थिति में समाप्त घोषित कर सकता है? जहां सोसाइटी का कार्य पूर्ण हो चुका हो, जिन प्रयोजनों के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई है उनकी पूर्ति नहीं हो रही हो, जहां सोसाइटी बहुत पुराना हो गया हो, केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक दो, उपरोक्त सभी। सही आंसर सी आएगा, केवल एक दो, पुराना से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जहां सोसाइटी कार्य पूर्ण हो चुका हो, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, हटाया घोषित माने समाप्त कर दिया जाएगा, और जिन प्रयोजनों के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई थी उनकी पूर्ति नहीं हो रही है तो भी किया जा सकता है। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी का सरकारी अंश पूंजी को अवर्जित करते हुए कम से कम 50% सोसाइटी द्वारा धारित हो कहलाती है, ये आपको बताना है। केंद्रीय सोसाइटी, संघीय सोसाइटी, उपभोक्ता सोसाइटी या विपणन सोसाइटी। सही आंसर इसका जो आएगा ये बी आएगा, संघीय सोसाइटी कहलाएगी, माने वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी का सरकारी अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए कम से कम 50% सोसाइटी द्वारा धारित हो कहलाती है संघीय सोसाइटी, वो कौन सी कहलाएगी? तो बी आंसर आएगा, संघीय सोसाइटी। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की किस अध्याय में सोसाइटियों का प्रबंध का वर्णन है? अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 या अध्याय 7, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, अध्याय 5 में प्रबंध से संबंधित वर्णन किया गया है। क्वेश्चंस हमारे सामने है, किसी सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार किसमें निहित होता है? सदस्यों के साधारण निकाय में, रजिस्ट्रार में, सचिव में या कोषा अध्यक्ष में। सही आंसर ए आएगा, सदस्यों के साधारण निकाय में। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, सोसाइटियों के प्रबंधन के लिए बनाए गए बोर्ड की संख्या कितने से अधिक नहीं होगी? 10, 21, 35 या 40, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, 21 से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सोसाइटियों के प्रबंधन के लिए बनाए गए सदस्यों में से कम कितनी महिला होना आवश्यक है? 2, 3, 5 या 7, इसमें से बताना है। सही आंसर ए आएगा, 2 महिला होना जरूरी है, 2 से कम नहीं होगा, 2 से अधिक चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में बोर्ड की शक्तियां किस धारा में वर्णन किया गया है? 48 का, 48 ख, 48 ग, 48 ख, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, धारा 48 ग में बोर्ड की शक्तियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी समिति के बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्ति होगी? सदस्यता स्वीकृति या समाप्त करना, सभापति या एवं अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचित करना, सभापति एवं पदाधिकारी को पद से हटाना, उपरोक्त में से कौन सही है? केवल एक एवं दो, केवल एक एवं तीन, उपरोक्त सभी, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी, ये सब के सब इसी की शक्ति होती है, किसी समिति बोर्ड की। बोर्ड का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 1 वर्ष, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बोर्ड का कार्यकाल कब से गिना जाएगा? जिस दिन पदाधिकारी ने चुनाव जीता हो, बोर्ड के प्रथम सम्मेलन से, जिस दिन बोर्ड के पदाधिकारी द्वारा पदभार संभाला गया हो और जिस दिन पदाधिकारी ने शपथ लिया हो, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, बोर्ड के प्रथम सम्मेलन से।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन करने एवं नामावली तैयार करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? न राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार प्रबंध समिति या रजिस्ट्रार, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किस धारा में किया गया है? धारा 50 का, धारा 50 खा, धारा 49 खा या धारा 48 खा, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, धारा 50 खा में निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। भारत में जिला सहकारी बैंकों के कामकाज को कौन सा निकाय नियंत्रित करता है? RCS, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अपने आप को, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI नियंत्रित करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किसी सोसाइटी के कार्यवृत्त पुस्तिका का रख रखाव किसे करना आवश्यक है? सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबंध समिति या रजिस्ट्रार, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, सचिव। इसके लिए सचिव जिम्मेदार है। सहकारी समिति का परिसमापन का क्या मतलब है? पुनर्निर्माण, समेटना, मिश्रण या पंजीकरण। सही आंसर बी आएगा, इसका अर्थ समेटना होता है परिसमापन का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किसी सोसाइटी के उपनियम क्या है? नियम, अधिनियम, संविधान या सामान्य सभा। किसी सोसाइटी का उपनियम संविधान कहलाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सहकारी समिति में प्रबंध समिति की क्या भूमिका है? शेयरों का प्रवेश एवं आवंटन, दैनिक पुस्तकें बनाए रखना, बाउचर जारी करना, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, शेयरों का प्रवेश का आवंटन। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 15(1) के अंतर्गत सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को 21 दिनों पूर्व दायित्व तब्दील के संबंध में कौन सूचना देगा? प्रबंध समिति, रजिस्ट्रार, RBI या सचिव, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, रजिस्ट्रार सूचना देगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कितने दिन पूर्व देना चाहिए? तो 21 दिन पूर्व देना चाहिए। ये सब छोटे छोटे चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है, सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार है? सदस्य, रजिस्ट्रार, अध्यक्ष या प्रबंध समिति, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, रजिस्ट्रार इसके लिए जिम्मेदार है। सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत ऐसे सदस्य व्यक्ति जो रजिस्ट्रार से दायित्व तब्दीली के संबंध में आपत्ति है तो ऋण या दावे के समाधान प्रत उन्मोचित कितने दिनों के अंतर्गत करेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मास के अंतर्गत, 2 मास के अंतर्गत, 3 मास के अंतर्गत या 4 मास के अंतर्गत। सही आंसर इसका सी आएगा, 3 मास के अंतर्गत। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किसी सहकारी समिति के वार्षिक आम सभा की बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने माह पहले बुलाई जानी चाहिए? यहाँ पर ध्यान रखेंगे, किसी सहकारी समिति के वार्षिक आम सभा, जो वार्षिक आम सभा की बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के, जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा हो, कितने माह पहले बुलाई जानी चाहिए? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह या 9 माह, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, 6 माह पहले बुलाई जानी चाहिए। सहकारी समिति के लेखा परीक्षक की नियुक्ति खाली स्थान अनुमोदित पैनल में से की जाएगी। सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार, सहकारी लेखा परीक्षक, निदेशक, नाबार्ड या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी आएगा, सहकारी लेखा परीक्षक निदेशक के पैनल में की जाएगी।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सहकारी समिति के पंजीकरण और अन्य गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपने आप को, आरसीएस, इसमें से क्वेश्चन बताना है। सही आंसर रजिस्ट्रार अर्थात आरसीएस नियंत्रित करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने की स्थिति में आवेदन प्राप्ति की तारीख से कितने दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा? 15 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर, 45 दिनों के भीतर या 2 मास के भीतर, ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 2 मास के भीतर। अगर 2 मास के भीतर आपने निराकरण नहीं किया तो रजिस्ट्रीकृत हो गई समझी जाएगी। जब ये तब की कंडीशन की बात कर रहा है, जब आपने आवेदन किया है और आवेदन में जो भी आवेदन का रजिस्ट्रार ने निराकरण ही नहीं किया है, तो जो उसको उच्च अधिकारियों को हस्तगत किया जाएगा, ये उच्च अधिकारी 2 मास के भीतर इसको निराकरण करने के लिए बाध्य हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 12 के तहत उप विधियों में संशोधन कितने प्रतिशत सदस्यों के अनुरोध पर किया जाएगा? 50%, 33%, 75% या 60%? सही आंसर ए आएगा, 50%। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में वर्तमान तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 10, 11, 12 या 13? सही आंसर भी, अभी तक 11 बार अधिनियम 1960 में संशोधन हो चुका है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बोर्ड का मुख्य कार्य सहकारी समिति की ओर से निर्णय लेने के प्रभारी लोगों को उन निर्णयों के परिणामों के लिए जवाबदेह बनाना है। किस बैठक में निर्णय लिया जाता है? वार्षिक आम बैठक, निदेशक मंडल की बैठक, परिचालन बैठक या सभी बैठकों में? सही आंसर बी आएगा, यह निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है? सहकारिता अधिनियम 1960, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 या छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999? सही आंसर डी आएगा, छत्तीसगढ़ स्वायत्त अधिकारिता अधिनियम 1999। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जहां संभव हो सभी सदस्यों के उनके आधिकारिक पते पर लिखित सूचना भेजी जानी चाहिए। वार्षिक और असाधारण आम बैठकों में कम से कम खाली स्थान पहले, माने कितने माह पहले, 1 माह, 2 महीने, 3 महीने या 1 हफ्ता, इसमें से कोई एक आएगा? सही आंसर ए आएगा, कम से कम 1 माह पहले आपको भेजना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी सोसाइटी के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है? अध्यक्ष, प्रबंध समिति कोषाध्यक्ष या सचिव? सही आंसर डी आएगा, ये सचिव को ये अधिकार है। एक सहकारी समिति का अध्यक्ष है मालिक, कर्मचारी, अधिकारी या सलाहकार? सही आंसर, एक सहकारी समिति का अध्यक्ष भी अधिकारी के कैटेगरी में रखा गया है। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 7? सही आंसर ए आएगा, 3। टोटल 3 सदस्य, कुल संख्या अध्यक्ष सहित सदस्यों का 3 होते हैं, टोटल 3 संख्या होगी। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का अध्यक्ष हो सकता है जो, आपको बताना है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक रहा हो, उच्च न्यायालय में 10 साल तक कम से कम वकालत की हो, उपरोक्त सभी। सही आंसर ए आएगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। क्वेश्चन हमारे सामने है,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है। राज्यपाल, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय या रिजर्व बैंक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण को किस विधि संहिता के तहत सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक दंड संहिता 1973, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण से संबंधित मामलों का अंतरण या प्रत्याहरण करने की शक्ति किसे प्राप्त है ये आपको बताना है। रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार या उपयुक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, ये उपयुक्त सभी सबको प्राप्त है। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के अनुसार सहकारिता वर्ष का अर्थ क्या है? सहकारिता वर्ष आरंभ होगा हर साल 1 जनवरी को शुरू होने वाले वर्ष, हर साल 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला वर्ष, हर साल 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष या हर साल 30 अप्रैल को समाप्त होने वाला वर्ष, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, हर साल 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के तहत अध्यक्ष से तात्पर्य है जो समिति का प्रमुख हो। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसी भी समिति का अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष। अब बात हो रही है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके तहत की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 अनुसार सरकार से तात्पर्य है केंद्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, ए बी दोनों। सही आंसर इसका सी आएगा, छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 अनुसार राष्ट्रपति का क्या अर्थ है? भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रधान, सोसाइटी का अध्यक्ष, उपरोक्त ए और बी दोनों। सही आंसर सी आएगा, सोसाइटी का अध्यक्ष को राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया गया, माने परिभाषित किया गया नियम 1962 में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के तहत सोसाइटी का पंजीकरण के लिए आवेदन किसको दिया जाएगा? सचिव को, अध्यक्ष को, रजिस्ट्रार को या कोषाध्यक्ष को? सही आंसर सी आएगा, रजिस्ट्रार को हमें देना होगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के तहत सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को किस प्रकार दिया जाएगा? आवेदन रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा, हाथ से वितरित किया जाएगा, ए बी दोनों में से किसी प्रकार से, उनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, आपकी मर्जी, आवेदन रजिस्ट्रार को आप बाई हैंड दे सकते हो या हाथ से वितरित कर सकते हो या पंजीकृत डाक से आवेदन कर सकते हो, माने जो भी आप उचित समझे आप कर सकते हो। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन खाली स्थान में किया जाएगा? फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी या फॉर्म डी? सही आंसर ए, फॉर्म ए के माध्यम से किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, जहां कोई सोसाइटी अपने उप नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है वहां सोसाइटी की आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। प्रस्तावित संशोधन की सूचना समिति के सदस्यों को दी जानी चाहिए। रजिस्ट्रार को आवेदन दिया जाना चाहिए। उपरोक्त में से क्या सत्य है? केवल एक, केवल तीन, केवल दो तीन, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, सभी कंडिका यहां पर सही है। क्वेश्चन है, सोसाइटी के पुनर्गठन के लिए बैठक बुलाने से कितने दिन पहले सदस्यों को लिखित सूचना दिया जाना चाहिए? 7 दिन, 21 दिन, 30 दिन
या 45 दिन? सही आंसर बी आएगा, 21 दिन पहले सूचना दे दी जानी चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी भी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य ग्रुप में प्रवेश दिया जाएगा जब निम्न में से कौन सी शर्त पूरी करेगा, लिखित रूप से आवेदन किया हो, उसने कम से कम एक शेयर खरीदा हो, उसके आवेदन को सोसाइटी के सामान्य बैठक में अनुमोदित किया गया हो। इसमें से आपको बताना है केवल 1 एवं 2, केवल 1 एवं 3, केवल 2 एवं 3, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी शर्त अगर पूरी कर रहा हो तो उसे सदस्य में शामिल करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नाबालिगों को सदस्य ग्रुप में प्रवेश की प्रक्रिया का वर्णन किसमें किया गया है, नियम 14, नियम 14A, नियम 15 या नियम 16A, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए बी आएगा, नियम 14A में नाबालिगों को भी अगर उसका कोई बालिक व्यक्ति जो है उसका अनुरक्षण कर रहा है या समर्थन कर रहा है तो उसको भी सदस्य बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है, यदि किसी सोसाइटी के उपनियमों में प्रतिनिधियों द्वारा सामान्य बैठक का प्रावधान है तो ऐसी सोसाइटी प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए बैठक बुलाने की तारीख से खाली स्थान दिनों के भीतर सदस्यों को प्रवेश नहीं देगी या सदस्यों को शेयर हस्तांतरित नहीं करेगी। माने जब चुनाव होने वाला हो तो कितने दिन पहले ना तो किसी को प्रवेश दिया जाएगा और ना ही किसी को शेयर बेचा जाएगा दिया जाएगा, 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन या 60 दिन। सही आंसर सी है, 45 दिन आएगा, 86 का सी। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अधीन कोई सदस्य सोसाइटी को खाली स्थान का नोटिस देने के बाद और समिति या सोसाइटी की सामान्य बैठक की मंजूरी के साथ जैसा भी मामला हो सदस्यता से हट सकता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने, ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 3 महीने पहले नोटिस देकर आप सदस्यता से हट सकते हैं। क्वेश्चन है, सोसाइटी का कोई सदस्य रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेजों का निःशुल्क निरीक्षण कर सकता है और निश्चित शुल्क के भुगतान पर उनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकता है, यह प्रावधान किस नियम में दिया गया है, नियम 20, नियम 21, नियम 22 या नियम 23। सही आंसर बी आएगा, नियम 21 में यह कहा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भूमि बंधक बैंक या सोसाइटी के अलावा कोई भी वित्त पोषण बैंक या क्रेडिट सोसाइटी जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अचल संपत्तियों के बंधक पर दीर्घकालिक ऋण देना है कितने से अधिक अवधि के लिए ऋण नहीं देगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल। सही आंसर ए है, 3 साल से अधिक ऋण नहीं देगा, इससे अधिक ऋण देना हो तो आरबीआई से आपको इजाजत लेनी होगी। क्वेश्चन हमारे सामने है, कोई भी सोसाइटी धारा 36 और 37 में निर्दिष्ट को छोड़कर किसी सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई लेन देन नहीं करेगा जब तक कि सोसाइटी के उपनियम उसे ऐसे लेन देन में प्रवेश करने का अनुमति न दे और सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर ली गई है, इनमें से कौन सा सत्य है, केवल 1, केवल 2, 1 एवं 2, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, ये दोनों कंडिकाएं सही है। चलिए क्वेश्चन 91 पर हम लोग चल रहे हैं, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार किसी सोसाइटी में शेयर पूंजी योगदान कर सकती है या किसी सोसाइटी को ऋण या वित्तीय सहायता दे सकती है, किस नियम के तहत, नियम 30, नियम 32, नियम 33 या नियम 35। सही आंसर बी आएगा, नियम 32 के तहत। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी सोसाइटी के पंजीकरण की तारीख से खालिस्थान की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमति दी जा सकती है, किसी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन पर पहला हस्ताक्षरकर्ता अपनी पहली वार्षिक आम बैठक बुलाएगा, माने जो पहले हस्ताक्षर किया है
ये कहना चाह रहा है जो पहले हस्ताक्षर किया है वो आम बैठक कब बुलाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक महीने पहले, दो महीने पहले, तीन महीने पहले या छह महीने पहले, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, तीन महीने, तीन महीने पहले। क्वेश्चन हमारे सामने है कि पहली वार्षिक आम बैठक को छोड़कर किसी सोसाइटी के सभी आम बैठक किसके द्वारा बुलाया जाएगा, सोसाइटी का अध्यक्ष, रजिस्ट्रार, सोसाइटी का सचिव या कोषाध्यक्ष, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी, सोसाइटी का सचिव, क्योंकि पहली तो पहला हस्ताक्षर करता बुलाता, बाकी जो बुलाएगा सोसाइटी का सचिव बुलाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, आम बैठक की सूचना जिसमें बैठक का स्थान, तारीख और समय के साथ साथ उसमें किए जाने वाले व्यवसाय का विवरण शामिल होगा, प्रत्येक सदस्य को तारीख से खालिस्तान दिन पहले भेजना होगा, 14, 20, 30 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए, इसमें 14 दिन पहले आपको भेजना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 की रीतियों में स्वयं का पुनर्गठन का विनिश्चय किस समिति के संबंध में अभिप्रेत है, प्रभावित सोसाइटी, परिणामी सोसाइटी, शीर्ष सोसाइटी या प्रसंस्करण सोसाइटी। सही आंसर ए आएगा, प्रभावित सोसाइटी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, रजिस्ट्रार पूर्वोक्त कालाविधि के भीतर, मैंने पूर्वोक्त होना था, यहां पूर्वोक्त कालाविधि के भीतर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है और वह स्वयं वहां के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है तो वह किसे निर्देशित करेगा, माने जो आपको 45 दिन मिला है उसमें आपने उसका निराकरण नहीं कर किए हैं तो आप किसे भेजोगे, अगर आप खुद वहां के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी हो तो आप किसे भेजोगे, राज्यपाल को, राज्य सरकार को, उच्च अधिकारी को या कलेक्टर को। सही आंसर बी आएगा, राज्य सरकार को आप भेजोगे। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिस्ट्रीकृत पूर्वोक्त कालाविधि के भीतर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है, माने रजिस्ट्रार पूर्वोक्त कालाविधि के भीतर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है और वह स्वयं वहां का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नहीं है तो वह किसे निर्देशित करेगा, राज्यपाल को, राज्य सरकार को, उच्च अधिकारी को या कलेक्टर को। तो ऐसे कंडीशन में जब वहां का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नहीं है तो वह उच्च अधिकारी को प्रेषित करेगा, कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, और इन लोग दोनों 60 दिन के अंदर माने सीधा सीधा 2 माह के अंदर रजिस्ट्रीकृत करेंगे या निराकरण करेगा, नहीं करते तो रजिस्ट्रीकृत मान ली जाएगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, समापक का नियंत्रण होगा रजिस्ट्रार पर, समिति के सभापति पर, समिति के सदस्य पर या समिति के कर्मचारियों पर, यह आपको बताना है, समापक का नियंत्रण किस पर होगा। सही आंसर डी आएगा, समिति के कर्मचारियों पर नियंत्रण होगा। 99 वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के किस धारा में सोसाइटियों का पुनर्गठन की बात की गई है, धारा 15, धारा 16, धारा 17 या धारा 18, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, धारा 16 में पुनर्गठन की बात किया गया, माने सोसाइटियों का पुनर्गठन की बात की गई है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के किस धारा में अपराधों के लिए शास्तियां, अपराधों के लिए दंड, अपराधियों के शास्तियां की बात की गई है, धारा 75, धारा 76, धारा